दिली तो है एक बहुत ही इंटेंस लव स्टोरी है, एक फैमिली ड्रामा है. दिली तो एक बहुत ही इंटेंस लव स्टोरी है, एक फैमिली ड्रामा है. एक यू नो हाउ एक कपूर्स शोज आर, एक बहुत ही फ्लैम्बॉयंट रिच फैमिली है, उनका बेटा है, लेकिन टिपिकल पंजाबी फैमिली है, बहुत ही यू नो क्लोज निट फैमिली है. और देन हाउ ही फॉल्स इन लव, एंड काफ़ी रियल कैरेक्टर्स हैं इसमें. यू नो कि जैसे आप देखेंगे कि हमारी जो मेन लीड है पलक, जिसका कैरेक्टर नेम है, वो आपको हर एपिसोड में रोते हुए नहीं दिखेगी, जो कि ज़्यादातर डेली सोप्स में आजकल हो रहा है. वी कीपिंग इट वेरी रियल, यू नो. जैसे कि आप जानते हैं कि सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन एंड ऑल्ट बालाजी भी सेम टाइम पे आएगा, सो द कंटेंट इज अ लिटिल डिफरेंट देन व्हाट यू विल सी दैट यू सी यूजुअली दीज डेज. अभी तक आई थिंक थोड़ी देर में प्रोमो ऑन एयर हो जाएगा, सो यू विल सी द प्रोमो, यू विल गेट अ बेटर आइडिया अबाउट व्हाट द शो इज लाइक. इट्स ऑल आई कैन से इट्स अ लव स्टोरी, एक इंटेंस लव स्टोरी है, फैमिली ड्रामा है, बट देयर इज अ रियलनेस टू द कैरेक्टर्स. As I said, young है, successful है, rich है, flamboyant है, औरतों से attention मिलती है उसको काफ़ी, तो उस reason से you know he's enjoying his life, you know he's not those you know stereotypical you know television में जो leads होते हैं, नहीं नहीं मैं लड़की की तरफ नहीं देखता या मैं सिर्फ ये करता हूँ, he's not like that, he's not a womanizer, but he's a real guy. अगर कोई दिल्ली का बहुत rich लड़का होगा जो कि बहुत attention मिल रही होगी उसको, तो वो अपनी लाइफ एंजॉय करेगा, तो ये भी कर रहा है. एंड द गर्ल ऑन द अदर हैंड इज ऑल्सो वेल एजुकेटेड गर्ल, जो रोती धोती नहीं है, एंड यू नो शी इज समबडी हु इज गोइंग टू स्टेप अप फॉर हरसेल्फ. वो यू नो शी इज नॉट लाइक द टिपिकल डेली सोप हीरोइंस. आई थिंक बहुत ही आई शॉट द प्रोमो विद हर, और कुछ सीन्स हमने यहाँ पे इसके साथ शूट किए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो एकता मैम की जो कास्टिंग होती है वो बहुत ऑन पॉइंट होती है. मैं भी एक प्रोडक्ट हूँ उन्हीं की कास्टिंग का, मेरे को तो फेसबुक पे देख लिया उन्होंने. सो एंड आई थिंक बहुत ही वाइब्रेंट पर्सनैलिटी है योगिता की, विच अगर वो ट्रांसेंड होती है स्क्रीन पे, तो इट विल क्रिएट मैजिक फॉर हर. आई थिंक शी हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल. क्यूट है बहुत, एंड ये जो उसका कैरेक्टर है पलक का, यू नो वो ऐसे चुप बैठने वाला कैरेक्टर नहीं है, यू नो उसके कोई ऐसे अत्याचार लेने वाला कैरेक्टर नहीं है. इट्स वेरी यंग टूडेज सक्सेसफुल इंडिपेंडेंट वुमेंस कैरेक्टर, एंड आई थिंक शी सूट्स द कैरेक्टर. आई थिंक आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि मैम मुझे अपने सब बड़े प्रोजेक्ट्स देती हैं शूट करने के लिए, एंड इट्स नॉट जस्ट दैट आई गो आउट एंड आई डू माई ओन फिल्म, यू नो आई डू माई ओन थिंग्स एंड आई कम बैक, बट विद एकता मैम देयर इज अ वेरी स्पेशल बॉन्ड, क्योंकि एक ट्रस्ट है उनका मेरे ऊपर, जो कि यू नो डे वन से उन्होंने बनाया था. आई मीन मुझे लेके आने वाली वही है, एंड यू नो सो शी हैज़ दैट ट्रस्ट इन मी विच आई नेवर वॉन्ट टू यू नो नॉट ब्रेक, बट आई डोंट वॉन्ट टू फॉल शॉर्ट ऑफ हर एक्सपेक्टेशंस. पलक के साथ ज़्यादा शूट नहीं किया मैंने, बट जितना मैंने इंटरेक्ट किया है, बहुत ही एज आई सेड बहुत ही स्वीट लड़की है, यू नो शी इज़ एन इंजीनियर, बीच में अभी एग्जाम्स दे के आई है अपने, सो यू नो शी इज़ वेरी टूडेज गर्ल, विच आई रियली लाइक अबाउट इट, क्योंकि टेलीविजन पर आपको ऐसी लड़कियाँ नहीं मिलती हैं ज़्यादातर, थोड़ी सी इधर देखो उधर देखो अभी डायलॉग बोल दो टाइप की लड़कियाँ मिलती, शी इज़ नॉट लाइक दैट. सो आई थिंक शी इज़ गॉट अ ग्रेट पर्सनैलिटी, अभी तक तो मैंने यही नोटिस किया. माई टेक ऑन इट, आफ्टर 1921 एंड मुबारक आर डूइंग रियली वेल, आई वॉन्टेड टू डू समथिंग गुड ऑन वेब. मैं यू नो दिस इज लाइक राइट नाउ टू द प्लेस टू बी, यू नो. सो वॉट बेटर, क्योंकि ये शो सेट मैक्स, सॉरी नॉट सेट मैक्स, क्योंकि ये क्रिकेट, तो ये शो जो है वो सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पे है, एंड एट द सेम टाइम इट्स गोइंग ऑन ऑल्ट बालाजी, विच मीन्स दैट इट्स गॉट द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, यू नो. एंड यू नो जितनी भी हमने फिल्में की हैं, मैं कभी लंदन में शूट करता हूँ, कभी मैं लॉस एंजलिस में शूट करता हूँ, वहाँ पर मुझे लोग, अच्छा 1921 मेड रिकॉर्ड्स इन ब्रोक रिकॉर्ड्स इन पाकिस्तान. Now that is not because of my reality, it is because of my fiction. क्योंकि हमारे जो डेली सोप्स हैं वो वहाँ पर देखे जाते हैं, बहुत पसंद किए जाते हैं, जिसका इफेक्ट ये हुआ कि हमारी फिल्म में इतना, एंड टाइगर जिंदा है सब साथ में रिलीज हुई थी तब भी. सो दिस मीन्स द टेलीविजन हैज़ दैट काइंड ऑफ कैपेसिटी, एंड दैट इज़ वाई आई चोज दिल्ली तो है, बिकॉज आई डोंट थिंक देर इज अ बिगर शो राइट नाउ ऑन टेलीविजन. आई डोंट थिंक सो. अर्जुन बहुत ही यू नो बहुत ही सीधा था, ये बहुत ही टेढ़ा है. सो आप उसका मतलब बहुत, अगेन यू नो व्हेन अर्जुन जो था वो एक ब्रूडिंग यू नो हर्ट लड़कियों से नफरत करने वाला लड़का है, ये लड़कियों से नफरत नहीं करता, ये रोज लड़कियों के साथ होता है. इट्स जस्ट दैट ही डज नॉट वांट टू कमिट, एंड यू नो ही डजंट, ही हैज अ हिस्ट्री ऑफ कोर्स, एक इसके डार्क साइड है जो कि बाद में रिवील होगा शो पे, बट ये तो बहुत टेढ़ा है. आई लव दिस कैरेक्टर, एंड स्पेशली व्हेन एकदम हम नरेटेड है लाइक ये पक्का हम कर रहे हैं ना टेलीविजन पे. सो या ही इज ग्रेट. आई मीन देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन ऋत्विक एंड अर्जुन. मैं यही बोलूंगा कि आप लोगों ने हमेशा हमें बहुत सपोर्ट किया है, वेर एवर आई एम टूडे, वेर एवर आई गो. आई रिपीट, आई डू नॉट हैव अ फादर हु इज अ यू नो प्रोड्यूसर और अ बिग स्टार.
हम जो कुछ भी हैं आप लोगों की ही वजह से हैं. एंड कहीं ना कहीं हमारी जब कास्टिंग होती है तो देखा जाता है कि हमारी फॉलोइंग कितनी है, यू नो हाउ मच विल वी पेनिट्रेट. सो आई थिंक बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइज फॉर मेकिंग अस व्हाट वी आर टुडे, स्पेशली मी, एंड आई गिव इट ऑल टू यू गाइज. थैंक यू सो मच.